नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। आम जनता के बतौर टैक्स वसूले जाने वाले पैसों को सेक्स पार्टियों पर खर्च करने को लेकर ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन सरकार की आलोचना हो रही है। सरकार की तरफ से इंग्लैंड में सेक्स पार्टियां आयोजित करने वाली कंपनी अनबेनेंट को 36,000 पाउंड यानी लगभग 37 लाख रुपए की फंडिंग मिली है। जॉनसन सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। आलोचकों का कहना है कि आम आदमी के टैक्स के पैसों को इस तरह खर्च नहीं किया जाना चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में आर्ट्स काउंसिल इंग्लैंड ने अनबेनेंट को क्रिएटिव प्रोडक्शन कंपनी बताते हुए कहा कि उसे कोरोना कल्चर रिकवरी फंड से पैसा दिया गया है। एसीई का कहना है कि अनबेनेंट लंदन की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है, इसीलिए उसे ये फंडिंग दी गई है। हालांकि विरोधियों ने काउंसिल के इस तर्क को बेतुका करार दिया है। अनबेनेंट का शहर में एक मशहूर क्लब है जिसका नाम है वेरबोटेन। इस क्लब में न्यूड शो सहित विभिन्न गतिविधियां होती हैं। यहां आने वालों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है। क्लब में फिलहाल जहां 5,000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर हैं। इसके अलावा कंपनी के वेबसाइट के माध्यम से सेक्स टॉयज की भी बिक्री की जाती है। आर्ट्स काउंसिल इंग्लैंड का कहना है कि ये कंपनी कोरोना काल के चलते ध्वस्त हुई नाइट लाइफ इकोनॉमी में नई जान फूंक सकती है और इस फंडिंग के सहारे ये कई नई नौकरियां उत्पन्न कर सकती है, इसीलिए फंडिंग पर सवाल उठाना पूरी तरह गलत है। उधर क्लब के प्रवक्ता ने खुशी जताते हुए कहा कि इस फंडिंग से हमें आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा मदद मिली है। एसी ने विरोधियों के आरोपों को नकारते हुए कहा, हम समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभी के लिए नहीं होती, लेकिन एक मल्टीकल्चरल देश होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी संस्थाओं की ओर मदद करें जो मुख्यधारा समाज से अलग है। बता दें कि आर्ट्स काउंसिल इंग्लैंड सरकार द्वारा फंड की गई संस्था है जो आर्टिस्टिक गतिविधियों को प्रमोट करने में मदद करती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।